अस्सलाम वालेकुम, ये एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको आज मजीद वीडियोस दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है जानवरों में। और एक ये देखिए, बछड़ा इन्होंने गिराया इन साहब ने, और गिराने के बाद ये फ़ौरन खड़ा हो गया है। और ये साहब बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या किया जाए, ये तो ऐसे खड़ा हुआ फ़ौरन ये। और ये देखिए, ये साहब गर्दन मोड़ के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने जो है कॉपी करने की कोशिश करी है। वो एक बड़े मशहूर लेक कसाई हैं उनकी, मगर ये बड़ी कोशिश के बाद जो है ये खुद गिर पड़े हैं उनको गिराने के चक्कर में। और आप ये देखेंगे लेक कसाई हैं, भारत हर किसी बंदे के बस की बात नहीं। और ये देखें, बछड़ा ऊपर चढ़ गया शहजोर पर पूरा, और ये वापस उतरा साहब पीछे हो गए। जज्बाती हो गया था बछड़ा बहुत ज़्यादा। और मतलब ये कि ये जानवर संभालना मुश्किल हो जाता है बाद अवकात इंसान के लिए। और ये देखें, ये जानवर जो है ये ट्रक में है अभी, और ये बहुत ज़्यादा भिपरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये ट्रक से नीचे आ गया है। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा भिपर गया है ये, और ये निकल गया है बिल्कुल स्पीड के अंदर। और ये मुझे लग रहा है दो चार को लपेटेगा आगे जाके, और ये अभी यहाँ शटर के ऊपर खड़ा हो गया। हमारी आवाम पीछे है इसके, और थोड़ी देर बाद ये आवाम के पीछे होगा। हमारी आवाम छोड़ नहीं रही है, कह रही ने अभी पैसा लगा हुआ है, इसको पकड़ना है हमने लाजमी। और इन्वेस्टमेंट लगी हुई है 3-4 लाख रुपए की भाई, वो परेशान है, वो भाग रहे हैं पीछे पीछे इसके। तो ये देखें, अब ये बछड़ा भागता जा रहा है, और हमारी आवाम जो है ये पीछे पीछे इसके लगी हुई है। वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर उसके पीछे लग जाते हैं मोटरसाइकिलों पर। हाँ, और ये देखें साहब, ये इनके अभी एक जोरदार लत्ती पड़ने वाली है। देखें माशाल्लाह, मुँह पर किक पड़ी है इनकी, फ्लाइंग किक, बड़े करीब से माशाल्लाह रस्सी बांध रहे थे। एक इनकी फ्लाइंग किक देखें आप, चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश फ्लाइंग किक पड़ी इनके भी तबीयत वाली। और ये चाचा जी का चेक करें, चाचा जी को इन्होंने गोद में उठा लिया, और चाचा जी का क्लीन बोल्ड हो गया, बोल करके निकल गया है। और ये देखें किन्ना बछड़ा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। आपको वीडियो दिखाते रहेंगे इस तरह की क्लिप दिखाते रहेंगे छोटे छोटे। किन्ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बछड़ा है ये। और एक ये देखें गुलाबी खूबसूरत नुखरा, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। हाइट और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, कैसा ज़बरदस्त है, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। और आप ये देखें कि ये बांग्लादेश की वीडियो है। और ये देखें समंदर, ये लॉन्च में लेके आ रहे थे बछड़े को, और बछड़ा ये पानी में गिर गया। अब ये लोग समझ रहे हैं शायद इसको तैरना नहीं आता है, मगर ये कुदरत का एक निज़ाम है कि हमारे जो है ये जितने भी चार पाए के जानवर हैं इनको तैरना आता है, कि अल्लाह का निज़ाम है ये। मगर ये जवान कूद गए, इनको पता है कि पैसा लगा हुआ है हमारा, इसको वापस लेके आना ना, पैसा समंदर में जाता हुआ नज़र आ रहा है इनको। मगर वो बछड़ा खुद ही तैरता हुआ किनारे की तरफ आ रहा है इनके साथ, और ये तो बड़े परेशान हो गए मुझे लग रहा है ऐसा। इनको रस्सी छोड़ नहीं रहे उसकी, उसकी पकड़ी हुई है कहीं निकल ना जाए आज से। और ये देखें ये भैंसा बहुत ही पागल हो गया है, और ये पागल हो गए लोगों के पीछे टांगे, जबकि इसकी बंदी नहीं है, मगर ये बेकाबू हुआ हुआ है इस वक्त। मतलब आवाम को भी हमारी अकल नाम की चीज़ नहीं है, किस तरह जानवर को काबू करना है, क्या करना। इनको देखें साहब को, इन्होंने गाय गिराई है, और इनके मुझे लग रहा है लत्ती पड़ने वाली है, बड़ी तबीयत वाली। ये देखें साहब को, हाँ इनको चेक करें, ये इनको फिर मुँह पे बड़ी बड़ी तबीयत वाली, और ये सर पकड़ के अपना बैठ गए। इनको कमांडो बनने को बोला किसने था। और ये देखें ये बछड़ा बिफरा है, और ये भागा है मैदान के अंदर, और आवाम इधर दत्तर बत्तर हुई है। हाँ, शॉपिंग मॉल के अंदर निकल गया है, शॉपिंग करने आया था ये, इसने कुछ सूट वूट हम भी ले लें दो चार अपने लिए। और ये देखें आवाम पीछे, यहाँ शॉपिंग मॉल में भी पीछा नहीं छोड़ रही है इसका, जो ख़रीदारी करने आए हुए थे वो भी इसके पीछे लग गए, बोल रहे हैं इसको नहीं छोड़ना है भाई, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट इस तरह हाथ से नहीं जाने देंगे, पैसा हमारा लगा हुआ है। कपड़े की दुकान में घुस गया, असल में इसको कपड़ा चाहिए मुझे लग रहा है, बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह देखें आप। और ये देखें जानवर अंदर जाके सुकून से काउंटर पर खड़ा हो गया, बोला मुझे डील करने दो। अब ये देखें पीएसओ पंप के पास, और ये देखें इन साहब ने दौड़ लगाई है, इनका पैसा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये तेज़ी के साथ पंप की तरफ, और ये फिर वापस, और ये साहब लगे हुए पीछे, उसको थोड़ी देर लग रहा है इसके ऊपर बैठ जाएंगे। और ये देखें आप, ये सीन देखें आप, तंबू गिराने के चक्कर में ये पूरा, और ये बछड़ा बहुत ज़्यादा बिफरा हुआ है, और ये साहब जो इनको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाईजान हमारे बहुत ज़्यादा करेंसी लगी हुई है इनको, हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम इनको जब तक काट के खा नहीं जाएंगे जब तक हमारी जान नहीं छूटेगी इससे। बछड़ा परेशान है, बछड़ा भाग रहा है इधर उधर तंबू गिराता हुआ। और ये चेक करें आप, एक ये जानवर ये भी मुझे लग रहा है फुल बिफरा हुआ, चाचा जी ने इसको टाइट करके पकड़ा हुआ है बिल्कुल। चाचा जी को उम्र का अपनी ख्याल नहीं है कि चाचा जी को अगर हल्की सी चोट पड़ गई चाचा जी की टांग लंबी हो जाएगी, हाथ लंबा हो जाएगा, मगर चाचा जी ने इसको काबू किया हुआ, और मुझे लग रहा है चाचा जी के अंदर घुसने वाला है ये, बिल्कुल तैयार हो गए, चाचा जी छोड़ नहीं रहे माशाल्लाह। उम्र आप इनकी देखें करीबन 50-60 के करीब है, मगर ये अपने जज्बे के साथ इसको पकड़ के खड़े हुए। और ये देखें इनके मुँह पर कपड़ा डाल दिया है, मेरे ख्याल फांसी करने वाले हैं इनको देने वाले हैं। और ये बछड़ा परेशान हुआ, इसने बोला ये क्या हरकतें हो रही हैं मेरे साथ, चाचा जी ने रस्सी पकड़ी हुई है, इनके मुँह पर जो है कपड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको कोई फांसी वांसी ना दे दी है, मगर इनको खैर ज़िबा किया जाएगा अल्लाह की राह में इनको। ये देखें ये बछड़ा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये देखें ऊँट जो है ऊँट के साथ, ये देखें ऊँट ने इनकी लत्ती दी और गलत जगह पे दे दी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है अब ये आइंदा
आइंदा कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। और ये देखें ये बछड़ा जो है, ये कितनी मोहब्बत है मालिक के साथ इनकी, कि ये दोनों माशाल्लाह साथ ही सो गए। तो ये एक जज्बा कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहिमी है कि माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है। और ये देखें बकरे का आप स्टाइल देखें कि बकरे के साथ बच्चे के साथ बकरा कैसा चल रहा है दो टांगों पे खड़ा हो के। और ये हकीकत में कि ये मोहब्बत का और ट्रेनिंग का कमाल है सारा। और ये देखें साहब को, इन्होंने दो टांगों पे बछड़े को खड़ा कर दिया है। और ये बेहतरीन किस्म का यहाँ पे जो है वो बछड़ा स्लिप हो गया, ये साहब भी परेशान है कि क्या करूँ। और ये इन्होंने गिरा दिया और बहुत इन्होंने, और सब ऊपर से आ गए पीछे, हमने हमला कर दिया सिर्फ इसी इंतजार में थी। और ये देखिए इनके डबल किक पड़ी है, इनके भी उसी जगह पर पड़ी है जहाँ से खतरात पैदा हो सकते हैं, आगे ये कुछ पढ़ नहीं पाएंगे ज़िंदगी में मुझे लग रहा है। तो इससे भाई थोड़ा सा बचें, एहतियात करें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और ये बड़ा असासा होता है कीमती।